Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सुहाब? ठीक हो? जी, जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट टाइम हमने सेवन स्किल्स किए थे फॉर जी SAT, और उसमें बाहर जा, हेलो बाहर जा। जी हेलो। जी तो हमने लास्ट टाइम जो सेवन स्किल्स किए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे, जी सो डिड यू ट्राई देम? आई नो हाउ टू डू देम, बट आई कुडंट, लाइक मैंने लिख कर नहीं किए क्योंकि अगला दिन मेरा एग्जाम था, तो फिर मेरे कंटिन्यूअस एग्जाम है और मेरे एक दिन छोड़ के एक छुट्टी होती है, फिर जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन भी रिवाइज अच्छा अच्छा करते, अच्छा अगले अच्छा दिन भी अच्छा रिवाइज करते, इसलिए ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपका एग्जाम खत्म हुआ कि अभी चल ही रहा है? मेरा 12th को खत्म होगा। 12th को? मैं आपको कर कर ठीक, दूंगी, मेरी परसों, उसमें 5-6 दिन छुट्टी है एक एग्जाम में, मैं आपको उस टाइम कर कर दूंगी। मेरा परसों मेरा 5th जो एग्जाम है उसमें मेरे को बहुत 5-6 दिन अच्छा। छुट्टी, मैं आपको तब दिखाऊंगी फिर। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। उस टाइम फिर आप मार्क कर देना आंसर्स को, राइट? तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ठीक हम। सेवन स्ट्रेटजीज क्या थी? पहली क्या थी? वेरिएबल्स यूज आंसर्स। हाँ बिल्कुल, अगर क्वेश्चंस में वेरिएबल्स होंगे और आंसर्स में आंसर्स होंगे तो यू विल यूज आंसर्स फॉर द वेरिएबल्स, राइट? तो पहला था व्हेन यू सी वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन एंड नंबर्स इन द आंसर्स, यूज द आंसर्स। तो आंसर्स अब इस्तेमाल करेंगे, वो हमने डिस्कस किया था, राइट? सेकंड क्या था? एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन, जी व्हाट इज पी इन टर्म्स ऑफ एफ, तो उसका क्या मतलब है? जी तो वो भी हो गया। व्हाट इज एम इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग सॉल्व फॉर एम। तो जैसे हम एक्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसका मतलब यही होता है कि सॉल्व फॉर दैट वेरिएबल जो उसमें लिखा होता है। तो वो भी हो गया। फिर उसके बाद तीसरा था मीन। मीन मीन्स जी एवरेज। तो एवरेज की हमने क्या फॉर्मूला याद रखी थी? एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन हमने क्या रखा था याद फॉर मेकिंग द थिंग्स इजियर? सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, याद है लास्ट टाइम? सम इज इक्वल टू जी एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। जी सो व्हेन यू सी द वर्ड एवरेज ऑन द एसएटी, यूज सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, जो हमने क्वेश्चंस किए थे इस जी पे। उसके बाद वी डिड अबाउट एंगल्स, और उसमें हमने याद रखा जब भी आपको कोई जी वर्टिकल एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर होंगे, ट्रायंगल होगा, तो यू विल मेजर ऑल द एंगल्स, यू विल मार्क देम, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम गए थे पैरेलल लाइंस पे, जी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल होगा तो आठ एंगल्स बनेंगे। बिगर लुकिंग एंगल्स आर इक्वल, स्मॉलर लुकिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड बिगर वन बिगर प्लस वन स्मॉलर इज इक्वल टू 180 जी ऑलवेज। आपकी आवाज कट रही है, ओ ओके, तो मैं कह रहा था कि फिफ्थ आपकी जो आवाज कट रही है, आप क्या बोल रहे थे? ओ ओ वन सेकेंड, तो मैं कह रहा था कि अभी आवाज आ रही है? जी मैं कह रहा था कि जो हमारी फिफ्थ SAT स्ट्रेटेजी थी वो थी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो आठ एंगल बनेंगे, उसमें से चार चार छोटे होंगे, चार बड़े होंगे। जितने भी चार छोटे हैं वो सब बराबर होंगे, और जितने भी बड़े हैं वो सब बराबर होंगे, और कोई भी छोटा प्लस कोई भी बड़ा
उसका सम किसके बराबर होगा? 180। एग्जैक्टली, तो दिस वाज द फिफ्थ एसएटी स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद वही डेड, जब भी आपको एक ट्रायंगल होगा उसके दो इक्वल साइड्स होंगे, तो ये ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसी वक्त आप मार्क करोगे कि उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। जी और साथ साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब भी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हर कोई एंगल किसके बराबर होगा? 60। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद हमने किया था ये सेवेंथ था ना, नहीं सेवेंथ ये था, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स द सम ऑफ द टू फार अवे इंटीरियर एंगल्स, यू रिमेम्बर? जी इसमें कोई कंफ्यूजन टिल सेवन? नहीं। लेट्स मूव टू द एट्थ स्ट्रेटजी एंड दैट इज मैथ वोकैब। मैथ वोकैब का मतलब कि जो भी वोकैबुलरी मैथ में इस्तेमाल होती है उस वोकैबुलरी को हमें पहले ही समझना है ताकि हमारा क्वेश्चन का समझना आसान हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस को स्टूडेंट इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको कोई एक आम लफ्ज जो मैथ वोकैबुलरी में होता है इस मतलब या पता नहीं है कि वो उसका क्या मतलब है। जैसे द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो कंसेक्यूटिव जब जी आया लफ्ज तो इंसान परेशान हो गया क्योंकि इसने कभी सुना नहीं था, हालांकि वो बहुत आसान था, ये कर सकता था, लेकिन कंसेक्यूटिव की वजह से स्टक हो गया स्टूडेंट। इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैथ वोकैब, मैथ वोकैबुलरी व्हिच इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस इन एसएटी। सो लेट अस गो टू फ्यू मैथ वोकैबुलरीज एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट मैथ वोकैब्स यूज्ड इन एसएटी। सो हियर इट इज, First of all, you can see SAT math mantra here. Can you read this? Anytime you see a math vocab term, underline it. Right. So, जब भी आप question पढ़ेंगे तो कुछ चीजों को आपको underline करना होगा क्योंकि you can use pencil on the question paper. तो इसीलिए आप underline करेंगे ताकि highlighted रहे वो और समझ में आए इंसान को कि क्या निकालना है, क्या कह रहा है. तो जैसे कभी कभी क्या आता है, real number, constant term, integer, even odd, positive, negative, consecutive, different, prime, right, units, digit. So before going, you know, further, can you tell me the difference between rational number and irrational number? Rational numbers are those numbers which are written in the form of p by q, where q is not equal to zero. Okay, what about 2.5 divided by 3.7? Ji hai. Kyun? Kyunki ye p by q form mein likh sakte hai, q zero ke barabar nahi hai. What about square root of 2 divided by square root of 7? Ye nahi hai. Kyun? ये भी तो p by q form में है. अच्छा हाँ हाँ स्क्वायर रूट, हाँ ये है. ओके, दैट मींस डेफिनेशन में अभी कमी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. इट्स नॉट ओनली p by q, इट इज p शुड आल्सो बी एन इंटीजर एंड q शुड आल्सो बी एन इंटीजर. अगर आपको ऊपर से कोई डेसिमल है, नीचे कोई डेसिमल है, तो हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा. ओके, रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ओके, बट पी इज आल्सो, पी एंड क्यू दे बोथ आर इंटीजर्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स हो गए जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए. ओके, तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो ये बीच में जो पॉइंट है ये 2.5 है, क्या ये इंटीजर है? इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, बट इज इट एन इंटीजर? कौन सी जी, 2.5 इंटीजर है या नहीं? नहीं, 2.5 नहीं है. लेकिन ये तो हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे.
अगर डेसिमल्स तो नहीं होता है डेसिमल्स तो, लेकिन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, सो आई हैव रिप्रेजेंटेड 2.5 ऑन नंबर लाइन, सो आप इंटीजर पूछ रहे कि नंबर लाइन? इंटीजर, ओ इंटीजर, 2.5 इंटीजर तो नहीं है ना, लेकिन इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर कौन से नंबर्स हुए? तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो वही आपकी डेफिनेशन के हिसाब से मैं नंबर लाइन बना रहा हूं और 2.5 को मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर, तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ये फिर इंटीजर होना चाहिए, जी बट इट इज नॉट जी बिकॉज दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द डेफिनेशन इंटीजर इंटीजर हो गया, या इंटीजर मतलब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स विद जीरो नंबर लाइन पे। व्हाट अबाउट नेगेटिव टू? जी इज इट एन इंटीजर? जी लेकिन आपने कहा ना होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, उसमें तो नेगेटिव टू नहीं आता। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स जीरो और ये नेगेटिव नंबर्स। अच्छा ठीक है, लेट अस गो लिटिल बैक, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले से, क्योंकि नंबर्स का समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से क्वेश्चन हम कर सकते हैं आगे। तो सबसे पहले तो बेसिक नंबर होते हैं, जो जैसे टू स्टूडेंट्स, 15 यू नो गर्ल्स, 5 सूटकेसेस, जो आम तौर पर नेचुरली हम इस्तेमाल करते हैं, वो हो गए नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, सॉरी वन, आई एम राइटिंग इट, नेचुरल नंबर्स, दे आर वेरी सिंपल नंबर्स, दे आर इन नेचर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कंप्लीट नंबर्स, नो डेसिमल, नथिंग, डेसिमल के बाद इनको कुछ नहीं है, ये 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1.0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए 1.0 इज अ नेचुरल नंबर, इज अ कंप्लीट नंबर, इट्स नॉट हैविंग एनीथिंग आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद इसको कुछ नहीं है, ना 2 है ना 3 है, कोई वैल्यू नहीं है, ना 5 है ना 6 है ना 01 है ना 02 है, नथिंग, इट इज जस्ट 1.0 और 1.00000, तो ये जितने भी जीरो लगाओगे इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1.000 means 1, तो 1 is a complete number, 2 is a complete number, 3 is a complete number, आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब मुझे 2.5 केले दे दो, या तो वो 2 केले देगा या तो 3 केले देगा, या तो 1 दर्जन देगा 12, या तो 1.5 दर्जन देगा 18, लेकिन वो ये नहीं कहेगा, वो आप उसको ये नहीं कह सकते 2.67 केले दे दो मुझे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में डेसिमल्स नहीं आते, जी राइट, तो डेसिमल के बाद जब भी किसी नंबर को कुछ आए तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, ओके ओके, इसीलिए कंप्लीट नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and so on, these are natural. ऐसे ही whole numbers भी सारे natural numbers हैं, लेकिन इसमें 0 भी included है. 0 is also giving you some information. I am taking 2 bananas. I'm having 2 bananas and you are taking both the bananas. So I'm left with 0 bananas. So we can say that this zero is a complete information. It is giving you some complete knowledge about something. So zero is also a whole number. But 1, 2, 3, 4, jitne bhi natural numbers hai, wo bhi whole numbers hai, wo bhi complete numbers hai. Whole, pura. Ye sara ka sara. Give me this whole bunch of grapes. Give me this whole bucket of water. To ye pura, W-H-O-L-E. Wo whole nahi, H-O-L-E. बल्कि WHOLE, तो दिस होल इज गोना गिव यू द अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज अ कंप्लीट नंबर बट इंक्लूडिंग जीरो, राइट? जी, सो इफ आई विल से इज 2.72 अ नेचुरल नंबर? नहीं. क्यों? क्योंकि डेसिमल्स है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसका कोई वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है. इज इट अ होल नंबर? जी. Is it a whole number? No, whole number nahi.
इट इज नॉट ऑल्सो होल नंबर, ये होल नंबर भी नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ आ रहा है. अच्छा जीरो क्या है, जीरो नेचुरल नंबर, नहीं होल नंबर। होल नंबर एग्जैक्टली. अच्छा व्हाट इज 2.00? 2.00 वो नेचुरल नंबर। एग्जैक्टली, बिकॉज डेसिमल के बाद कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज जीरो मीन्स नथिंग, राइट? 2.00 मीन्स टू, जी तो इट इज अ नेचुरल नंबर. क्या ये होल नंबर है? होल नंबर जी। हाँ, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि जीरो है उसमें. जी आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी हो गया नेचुरल और होल. अब चलते हैं आगे. अब अगर आप समंदर पे किश्ती में हो और यू हैव टू सी द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू द एयरप्लेन, तो आप सीधे कहोगे इट इज मे बी 567 मीटर्स. लेकिन आप इसी किश्ती में चाहते हो नीचे एक डॉल्फिन है पानी में, वो कितनी दूर है? और अगर वो है, वो भी है 567 मीटर्स, तो आप इसको कैसे सिग्निफाई करोगे? हाउ विल यू मेक अस अंडरस्टैंड दैट दिस इज 567 डाउन एंड दैट इज 567 अप? जी हम इसको डिनोट करते हैं बाय ए नेगेटिव नंबर, राइट? हम इसको डिनोट करते हैं बाय ए नेगेटिव नंबर. यू आर गोइंग डाउन फ्रॉम जीरो, सो यू आर हैविंग ए नेगेटिव नंबर, माइनस 567 मीटर्स. पॉजिटिव 567 मीटर्स. तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी नेचुरल और होल नंबर्स के अलावा नंबर्स की, वो हो गए इंटीजर्स. और इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स, लेकिन उनके नेगेटिव्स भी. सारे होल नंबर्स लेकिन उनके नेगेटिव्स भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और साथ साथ में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ये भी कंप्लीट नंबर्स ही होंगे, इनको भी डेसिमल कुछ नहीं होगा, डेसिमल के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन इनमें नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे. आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में. अब देखो नेट अपना मुझे I will check the internet connect. I will also check the speed. मुझे भी स्पीड सही है वैसे, 26 Mbps. तो फिर ये कट क्यों रही है, क्या हो गया इसको? कुछ और तो नहीं चल रहा आपके इस पे जिस पे आप चला रहे हो? नहीं बस खाली यही चल रहा है ना हमारा, व्हाइट बोर्ड और ये बस. बस वही जूम और व्हाइट बोर्ड. मेरी स्पीड भी वैसे सही है, 27 Mbps, 28 Mbps. बताना फिर भी अगर फिर से कट हो गया तो. अभी कैसी आ रही है? बीच में कट रही है अभी भी जी. क्या हो गया इसको? मैं फिर लैपटॉप की आवाज इस्तेमाल करता हूँ विदाउट यूजिंग हेडफोन्स. ऐसे कैसे आवाज आ रही है? हाँ अब क्लियर आ रही है. ओके चलो ठीक है फिर, लैपटॉप की आवाज इस्तेमाल करते हैं. ओके तो मैं कह रहा था कि नेचुरल, होल और इंटीजर. इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है जैसे होल नंबर्स की तरह. अगर मैं कहूँ -5, क्या ये नेचुरल नंबर है? सुहा आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो
हेलो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अभी तो आई थी वैसे। आप क्या बोल रहे हैं? बस अब आई आपकी आवाज, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है मेरी? अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मैं तो सुन ही नहीं रहा आप मुझे। हेलो, हेलो सुहा, आपको अगर हेडफोन है तो यू कैन यूज इट, एयरफोन। हेलो, हेलो, हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी जी। आवाज। तो मैं कह रहा था कि इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी है। अगर नेगेटिव 5 होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, नहीं होल नंबर, नहीं इंटीजर? जी तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। अब इसके बाद नाउ जो मैं कहूंगा ना उसको पूरी तरह जहन में रखना, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स का बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए इसको पूरा क्लियर करना है अभी। जी तो वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, ये यहां पे। अब इसके बाद आएंगे वो नंबर्स जो इन नंबर्स के बीच में है, कंप्लीट नंबर्स के, जैसे 1.25, जैसे 1.22222222, जैसे 1.41312191815432 कुछ रैंडम नंबर्स। तो 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हमें मिलेंगे जो इन नंबर्स के बीच में होंगे। जी जैसे जैसे सिंपली अगर हम देखें 1.25, ये एक टाइप का डेसिमल होगा जो 5 के बाद रुक गया, जो इसके बाद नहीं चला, तो जी इसको हम सीधे कहते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी आपने सुना होगा इसको, है ना? जी फिर उसके बाद एक और टाइप का डेसिमल आएगा, वो रुकता ही नहीं लेकिन पैटर्न से रिपीट होता है, जैसे 1.27272727272727 एंड सो ऑन, 27 पर बार है, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन 27 रिपीट हो रहा। जी तो इसको कहेंगे ये डेसिमल है लेकिन रिपीटिंग वाला, अच्छा या इसी का दूसरा नाम है रेकरिंग। जी और तीसरे टाइप का डेसिमल आपको मिलेगा जो रिपीट भी नहीं हो रहा लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे 1.41329766281923 जी फोर 9429 एंड सो ऑन। मतलब एक रैंडम नंबर्स रिपीट, रैंडम नंबर्स चल रहे हैं, रिपीट कुछ नहीं हो रहा, किसी पर बार नहीं है। जी तो ये भी है डेसिमल बट इट इज नॉन रिपीटिंग।
जी तो थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हमें सामने आए, एक दो और तीन। पहला कौन सा है? टर्मिनेटिंग। दूसरा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नहीं, दूसरा वाला जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? रिकरिंग, रिकरिंग। हाँ, और तीसरा? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। वो तो है ही नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है फिर रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग। इसमें क्या रिपीट हो रहा है तीसरे में? कोई नंबर रिपीट हो रहा है जी तीसरे डेसिमल में? कोई नंबर रिपीट हो रहा है? 1 4 4 1 नहीं, तो फिर ये नॉन रिपीटिंग है ना, तो फिर रिपीटिंग का है, तो नॉन रिपीटिंग को कहते हैं नॉन रिकरिंग। जी नॉन रिकरिंग। तो अब देखो, रैशनल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स हैं जो विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। सिंपल, रैशनल नंबर्स आर दोज डेसिमल नंबर्स विच आर आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। दैट्स इट। ओके, शॉर्ट में रैशनल नंबर्स अगर हमें देखने हैं डेसिमल नंबर्स में, तो डेसिमल नंबर्स में रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होंगे जी, अगर वो रिपीटिंग भी नहीं है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं है, वो इरैशनल नंबर्स है। ओके, आगे डिफरेंस समझ में? हाय। तो यही रैशनल नंबर्स जो आइदर टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, इसीलिए इसका डेफिनेशन है पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है वो बच्चों को पूरा समझ में नहीं आता। वो यही है कि वो जब पी डिवाइड बाई क्यू करेंगे, जैसे 2/3 है, 2/3 जब करेंगे तो वो ऐसा डेसिमल नंबर आएगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो रिपीटिंग होगा। अब आप कैलकुलेटर पर जब देखोगे तो ये निकलेगा 0.666666 एंड सो ऑन, 6 पर बार है। तो ये एक ऐसा डेसिमल बन गया जो रिपीटिंग है, और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, अब अगर आपको कोई नंबर है जैसे root 2 इज 1.41329876 19, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है कोई चीज, लेकिन ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, रुक नहीं रहा, तो हम कहते हैं फिर भाई रूट टू जो है ना वो ऐसा डेसिमल नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, और जो नॉन रिपीटिंग होगा वो इरैशनल नंबर है। जी, आई डिफरेंस समझ में इन दोनों के बीच में? हाँ आई। और ये दोनों नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, रैशनल भी इरैशनल नंबर भी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों को जब मिलाएंगे तो यही दो नंबर्स टोटल में बन जाते हैं रियल नंबर्स, दे आर रियल। और नंबर लाइन पर सारे रियल नंबर्स को शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पर सारे मतलब सारे नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स हैं नंबर लाइन पर, सारे रियल नंबर्स हैं। शो करना तो दूर की दूसरी बात है, शो में इरैशनल नंबर शो नहीं कर सकते, लेकिन है अवेलेबल नंबर लाइन में ही, क्योंकि जैसे 1.41329 ऐसे है, ये तो 1 और 2 के बीच में ही होगा ना कुछ जी, एक ये यहां पे ही छुपा है कहीं पे, लेकिन उसको हम शो नहीं कर सकते इरैशनल नंबर को, लेकिन है जी। तो इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे कहते हैं रियल नंबर्स। ओके, अब जो है पहली हमारी वोकैबुलरी जो है रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब अगर कहीं भी क्वेश्चन होगा वन ऑफ द रियल नंबर्स इज मल्टीप्लाइड विद दिस, तो हम कहेंगे कि भाई रियल नंबर में तो रैशनल भी आता है, इरैशनल भी आता है, कुछ भी आ सकता है, तो हम उसी हिसाब से ख्याल रखेंगे जी।
आया समझ में? जी। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल एक, 99 डिवाइडेड बाई 78, ये क्या है? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या ये होल नंबर है? नहीं। क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्या ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको एक ऐसा डेसिमल मिलेगा जो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। जी। अब मुझे आप बताओ रूट फाइव, जी ये क्या है रूट फाइव? एनी आइडिया? रूट फाइव एक तो है रियल नंबर, वो तो है ही रियल नंबर, तो सारे रैशनल और इरैशनल नंबर। इरैशनल है ये। इरैशनल है, पता है क्यों? क्योंकि जब इसका वैल्यू देखोगे कैलकुलेटर पे, इट विल बी 2 point समथिंग समथिंग समथिंग, जितने भी आप इसको नंबर्स लिखोगे वो सब रैंडम होंगे, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगी। जी। इसीलिए ये इरैशनल नंबर हो। ओके। तो शॉर्ट में ये आप याद रखोगे कि जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरैशनल नंबर होगा। जैसे रूट फोर, फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू, तो ये तो सीधे नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है और रैशनल भी है। लेकिन अगर रूट फाइव है, फाइव इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए ये इरैशनल नंबर होगा। ओके। जैसे रूट नाइन है, ये क्या होगा? क्या नाइन परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। तो ये तो नेचुरल भी होगा, थ्री है ना, तो नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा। व्हाट अबाउट रूट टेन? नहीं, नहीं है, ये इरैशनल होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जी। सो दिस इज द डिफरेंस। ऐसे ही पाई, पाई जो हम इस्तेमाल करते हैं 3.14, वो खाली 3.14 नहीं है, वो 3.1412 एंड सो ऑन, एक रैंडम नंबर्स का लिस्ट लिखकर है। तो इसीलिए वो रिपीटिंग नहीं है, इसीलिए वो इरैशनल नंबर है, इसीलिए पाई कहते हैं, पाई इज एन इरैशनल नंबर। जी। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका लेते हैं 3.14 या 22/7, हालांकि 22/7 इज नॉट पाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वरना अगर 22/7 पाई होता, अगर पाई होता बराबर 22/7 के, तो पाई तो फिर रैशनल नंबर था। जी। लेकिन पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ओके। नाउ दिस इज वन ऑफ द वोकैब्स व्हिच आर यूज्ड इन एसएटी। सेकंड थिंग इज कांस्टेंट टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट टर्म? कॉन्स्टेंट होगी। जी। हाँ हाँ बोलो बोलो। जिसका वैल्यू सेम होगा, जो चेंज नहीं होगा, सिंपल। देखो एक तो हम लिखते हैं अक्सर एलजेब्रा में वेरिएबल, और उसको हम अक्सर डिनोट करते हैं विद एक्स। जी। तो वेरिएबल एक ऐसी टर्म है जो चेंज हो सकती है, एक्स कैन बी वन, एक्स कैन बी टू, एक्स कैन बी थ्री, एक्स कैन बी फोर एंड सो ऑन, एनीथिंग, व्हाटएवर वी वांट। बट जब हम लिखेंगे कांस्टेंट नंबर, ए कांस्टेंट टर्म, जैसे बी, जैसे ए, जैसे सी, तो जो भी इसका वैल्यू होगा, जैसे सी वन है तो ये वन ही रहेगा, ये टू नहीं बनेगा। जी। इसीलिए कॉन्स्टेंट विल नॉट चेंज, कॉन्स्टेंट इज, कॉन्स्टेंट का मतलब ही है जो एक ही शक्ल में रहे, एक ही हिसाब में रहे, और वेरिएबल का मतलब है जो वेरी हो जाए, कभी उधर कभी इधर। हाँ। ठीक। जी। तो हो गया ये कांस्टेंट टर्म। इंटीजर हमने पढ़ लिया, इवन ऑड तो आपको पता ही है। जी। और पॉजिटिव नेगेटिव यू आल्सो नो दैट। जी।
और कंसेक्यूटिव नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव नंबर्स? यानी एक के बाद एक. एग्जैक्टली. वन टू थ्री. वैसे हाँ, जैसे एट, एट के बाद नाइन, नाइन के बाद टेन, टेन के बाद इलेवन. अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कंसेक्यूटिव इवन, तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब इवन नंबर्स खाली जो कंसेक्यूटिव हो जाए, यानी जैसे टू फोर सिक्स एट. राइट. और अगर मैं बोलूंगा कंसेक्यूटिव प्राइम, फिर खाली प्राइम नंबर्स लेकिन कंसेक्यूटिव वाले. हाँ जी. टू थ्री, जैसे टू थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन. वेरी गुड. तो ये हो गया कंसेक्यूटिव. फिर obviously there are two different numbers लिखा हुआ question में, तो obviously there are two different numbers and nothing else. Prime numbers तो आपको पता ही है, जो start होते हैं two से, और two is the only even prime number. Number. सिर्फ एक even prime number है, वो है two. बस. One is जी. Not a prime number. जी. One is not a prime number, okay? Because prime number की definition ही है कि जो, जो वो numbers जो खुद से divide हो और one से divide हो. हम one के लिए ये नहीं कह सकते जो खुद से divide हो और one से divide हो, इसलिए one is not a prime number. जी. हो गया ये prime numbers, different numbers. Let us go to this one. Units digit. यूनिट्स डिजिट का मतलब है सिंपली वंस डिजिट. जी. जैसे टू, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट इट हियर, 2697.4321. तो इसमें यूनिट्स डिजिट कौन सा है? सेवन. टेंस डिजिट? नाइन. हंड्रेड्स डिजिट? सिक्स. और थाउजेंड्स डिजिट? टू. करेक्ट. देखो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम हमें याद रखना है, एसएटी में वहां पे नंबर्स ऐसे आएंगे, वंस और यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. हाँ बिल्कुल. बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन एंड सो ऑन. ट्रिलियन, टेन ट्रिलियन, हंड्रेड ट्रिलियन. जिलियन, टेन जिलियन, हंड्रेड जिलियन. ऐसे. अब मुझे बताओ डेसिमल के राइट साइड वाला जो पहला नंबर है इसका क्या नाम? अगर सेवन का यूनिट्स डिजिट है या वंस डिजिट है, तो ये जो फोर है इसका क्या नाम है? यही मैं आपको पूछने वाली थी, मुझे नहीं पता. वेरी गुड. हाँ ये है, याद रखना, ये टेंथ डिजिट. जी. अगर खाली पॉइंट फोर होता, पॉइंट फोर तो फोर बाय टेन होता ना, वो पॉइंट फोर का मतलब है फोर बाय टेन, तो इट इज टेंथ डिजिट. ऐसे ही थ्री, थ्री होगा हंड्रेड्स डिजिट. जी. इसमें फर्क है, अब यहां से लेफ्ट साइड से है वंस डिजिट, दूसरा है टेंस डिजिट. जी. टेंस डिजिट में और टेंथ डिजिट में फर्क है. जी. ऐसे ही टू, इट विल बी थाउजेंड्स डिजिट. जी. थाउजेंड्स डिजिट. हाँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड्स डिजिट एंड टेंस डिजिट इन दिस क्वेश्चन? थाउजेंड, थाउजेंड्स डिजिट एंड टेंस डिजिट. टेंथ, टेंथ नहीं, नहीं टेंथ नहीं, मैं लिखूंगा लिखूंगा थाउजेंड माइनस टेंस. अच्छा, थाउजेंड माइनस टेन. राइट. वो नहीं पता है. थाउजेंड डिजिट कौन सा है? एक मिनट. फोर. फोर है टेंथ. थ्री है, वन है. नहीं, फोर है टेंथ. टेंथ से शुरू करना है ना. फोर है टेंथ. थ्री है हंड्रेड. थाउजेंड्स है टू. एग्जैक्टली. थाउजेंड्स है टू.
सो थाउजेंड्स डिजिट है टू माइनस टेंस डिजिट क्या है टेंस डिजिट सेवन नहीं वो तो हो गया वंस डिजिट अच्छा टेन नाइन हाँ टू माइनस नाइन तो वो जाएगा नेगेटिव सेवन अगर ये नाम हमें नहीं पता होंगे तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे जी अब मुझे यहाँ पे बताओ आप 9276.2187 मुझे बताओ हर किसी डिजिट का कौन सा प्लेस है सिक्स का है वन सेवन का है टेंस टू का है वंस टेंस हंड्रेड्स वंस टेंस हंड्रेड और टू का है टेंस वन का है हंड्रेड्स एट का है थाउजेंड सेवन का है टेन थाउजेंड शायद मिलियन टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स जी इसीलिए थोड़ा सा देख लेना आप इंटरनेशनल सिस्टम क्या है कैसे है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन बिलियन टेन टेन बिलियन हंड्रेड बिलियन ओके सो दिस विल बी अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स विच कैन बी यूज्ड तो हमारा जो एट स्ट्रेटजी थी वो थी एनी टाइम यू सी अ मैथ वोकैबुलरी टर्म अंडरलाइन इट जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर एट है लेट एस इक्वल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स यहां पे कुछ ये है तो हम अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पेपर में ही हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एस आर इवन प्राइम नंबर्स तो बताओ इसका आंसर क्या होगा हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एस यानी हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ रियल नंबर्स आर इवन प्राइम नंबर्स इवन प्राइम नंबर तो आपने बोला खाली टू है Exactly. तो हाउ मेनी विल बी देयर आंसर इसका क्या होगा फिर एक राइट वन ओनली वन सो द करेक्ट आंसर इज वन आया समझ में जी गुड लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर वन इफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैव अ सम ऑफ नाइन व्हाट इज द लार्ज इन दोनों का सम है नाइन आप इसको सॉल्व करो क्या आएगा टू एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एट वो आएगा x इज इक्वल टू फोर अब आंसर क्या है एक नंबर फोर है दूसरा नंबर फाइव है राइट तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें वो दो लार्जर नंबर कौन सा वो है फाइव राइट तो पहले हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को अंडरलाइन करेंगे okay. और लार्जर नंबर को भी जहन में रखेंगे कि हम छोटा नंबर ना लिख लें फोर गलत हो जाएगा जी फाइव है हमें आंसर क्वेश्चन नंबर टू जी हाउ मेनी डिफरेंट इंटीजर्स सैटिस्फाई द इक्वेशन एक्स क्या इज इक्वल टू नाइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इस्तेमाल होता है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करने से हमें नाइन मिले तो हम ये तो वैसे कर सकते हैं ना जो पहला मंत्रा था उसके बेसिस पे हाँ कर सकते हैं बिल्कुल लेकिन ये मत ना तुम्हें बता आपको बता रहा आंसर्स इट्स नॉट टेलिंग यू द आंसर इट्स टेलिंग यू हाउ मेनी कितने हैं वहां पे था इफ यू आर हैविंग द वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द ऑप्शंस इसमें आंसर नहीं दिया है ना इसमें नंबर्स दिए है ना मतलब इसमें कितने हैं कितने इंटीजर्स सेटिस्फाई करते हैं इसको इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा इंटीजर सेटिस्फाई करता है इसको जी मगर तभी पुट नहीं कर सकते देखो वो पुट तो कर सकते हैं कब जब आपको इसमें ऑप्शंस होते कौन सा विच अगर लिखा होता विच इंटीजर सेटिस्फाइज द इक्वेशन
इसमें फर्क है ना, विच इंटीजर सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 9, यहां पे लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन, हाउ मेनी में आपको आएगा, जैसे आपके दो आंसर मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा 3 और 4, तो आपको दो मतलब टू, देर आर टू इंटीजर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, हालांकि आंसर्स जो है 3 और 4 है, लेकिन कितने आंसर्स हैं, दो आंसर्स हैं, तो इसीलिए आंसर आपको नहीं दिया ना डायरेक्टली ऑप्शंस में, ये थोड़ा समझो, हाँ हाँ हाँ, है ना, इसमें फर्क है क्वेश्चन में, आंसर नहीं दिया है, आंसर नहीं दिया, बल्कि हाउ मेनी आंसर्स आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, तो पता नहीं दो आंसर होंगे, तीन आंसर होंगे, चार आंसर होंगे, एक आंसर होगा, कोई आंसर नहीं होगा, तो वो हमें देखना है जी। तो बताओ कौन सा नंबर को स्क्वायर करने से 9 मिलेगा, 3, खाली 3 को जी, और कोई है ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से 9 मिलेगा, श्योर जी, व्हाट अबाउट नेगेटिव 3 स्क्वायर, माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 विल बी पॉजिटिव 9, राइट जी, तो कितने आंसर मिल गए, एक तो 3 मिल गया, दूसरा नेगेटिव 3 मिल गया, दो मिल गए ना, दो आंसर्स जी, तो कौन सा आंसर है राइट, कौन सा ऑप्शन है राइट, सी करेक्ट, सो ये फर्क है इसमें। अब हमेशा याद रखना जितने भी यानी स्क्वायर्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर का मामला होगा, उसमें खाली एक ही नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, बल्कि दो दो नंबर सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 16, तो एक्स का वैल्यू खाली 4 नहीं होगा, बल्कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव 4 भी होगा और 4 भी होगा जी, जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर ऑफ 16 खाली 4 नहीं है, बल्कि स्क्वायर ऑफ 16 माइनस 4 भी है जी, ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए वो वहां पे 4 लिख लेते हैं, और जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 36? 6 और माइनस 6, एग्जैक्टली, उसको लिखते हैं ऐसे, प्लस माइनस 6 और माइनस जी, ओके, नंबर 3 विल बी द होमवर्क, 4 आल्सो होमवर्क, 5 आल्सो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6, let us do question number 6, अच्छा ये वैसा ही है, सेम, करो आप, if it is same, let s equal the set of all positive integers less than 12, how many members of s are not consecutive odd prime numbers, तो पहले हम करेंगे underline, बड़े अच्छे अच्छे इनको, positive integers और consecutive odd prime, अब हमें ये समझने में आसानी होगी और हम देख सकते हैं क्या है, तो क्या है s, set of all positive integers less than 12, तो उसमें क्या क्या आएगा, positive integers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 less than 12 11 तक, अब इसके बाद क्या करना है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एस आर नॉट कंजेक्टिव और प्राइम नंबर्स, पहले देखने इसमें कौन से है, हाँ बताओ, 2 3 5 7 11, ठीक, और इसमें क्या देखना है, कंजेक्टिव ऑड, इन्हीं में 2 3 5 7 11 में कंजेक्टिव ऑड है, 3 5 7, 3 5 7, अब बस, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एस आर नॉट कंजेक्टिव और प्राइम नंबर्स, यानी 1 2 4 6 8 9 10 11, राइट, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7,
सो 7 इज द आंसर जी समझ, इसमें इसीलिए समझना है, अगर ये ऐसे लिखो और नॉट कंसेक्यूटिव और प्राइम नंबर्स, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है और आंसर फिर गलत निकलते हैं. सो दिस वाज अबाउट 8th स्ट्रेटजी कि यूजिंग मैथ वो कैब रियल नंबर्स कंसेक्यूटिव और इवन प्राइम, फिर उसमें क्या था और negative positive right जी. तो different numbers और ये सब हमने cover कर लिया इसमें. अब इसके बाद एक और strategy है that is also dealing with math vocab. Anytime you see the math vocab term underline. अब इसमें अलग math vocabulary term है, वो है factors, prime factors, multiples. इनको हमें समझना है कि what do you mean by factors? Can you tell me what is the meaning of factors? अगर मुझे question है मतलब 24 इसके factors निकालो तो क्या निकालना है असल में? मतलब देखना है कि 24 को किस किस number से divide होता है. Right. कौन कौन सा number है? 2, 3. One नहीं है. One भी है. 1, 2, 3, 4. 24. तो ये है इसके फैक्टर्स. अच्छा अगर मैं एक और क्वेश्चन बताऊं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 27? फैक्टर नहीं है. नहीं, 3 9s are 27 और 9 3s are 27. 1 भी है. और बस इतने ही है. खुद का नंबर है खुद. और कोई तो नहीं है? नहीं. सो 1 3 9 27. अब ये है फैक्टर्स 27 के और ऊपर वाले है फैक्टर्स 24 के. अगर मैं आपको बताऊं what are the common factors of 24 and 27? Common factors of 24 and 27? 1, 3 or plus 1 or 3. Ab in common factors mein, which is the greatest common factor? 3. 3, exactly. So we can say that greatest common factor of 24 and 27 is 3. Jee. Ab iske baad मल्टीपल्स मतलब टेबल 24 का और टेबल 27 का जी. तो बताओ मुझे टेबल 24 का. 24 का टेबल नहीं पता. कैलकुलेटर ले लो हाथ में. 24 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 24. 24 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 48. 24 मल्टीप्लाई बाय 3. एक मिनट मैं कैलकुलेटर कैलकुलेटर 24 multiply by 1 24 24 multiply by 2 48 24 into 3 hai yeah, ek minute. Kya fit hai aapke paas? तो फिर छोटे दो नंबर लेंगे. अच्छा तो फिर 7 और 8 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं जी. 24 इंटू 3 है 72. फिर 96. फिर 120. 144.
फाइव हो गया 135। सिक्स सिक्स हो गया 162। सेवन हो गया 189। इसके भी बताओ, 24 के भी एक्स्ट्रा बताओ। कहाँ तक हुए 24 के? 144 तक पहुंचे हम। 1 2 3 4 5 6 24 into 8 7 हाँ 168। फिर 192। ठीक, विशुजी उठा। विशुजी का सो नंबर यूज कॉमन चाहिए हूँ 24 और 27 का? 24 27 हाँ। 3 times 8 3 times 9 हो जाएगा 3 times 8 times 9 8 times 9 हो गया 72 into 3 72 into 3 को तक हो 144 plus 72। हेलो इसमें है ही नहीं कोई। नहीं चलो आगे चलते हैं। 168 हो गया 192, फिर उसके बाद 24 into 9 कितना हुआ? कहाँ तक हुआ? 24 into 9 करो अब 216। और 27 into 8 216 हो गया। हो गया ना। तो कॉमन मल्टीपल्स में 216 भी एक मल्टीपल है, और भी ऐसे आगे आएंगे मल्टीपल्स जो कॉमन होंगे, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 and 27 इज 216। 216 राइट जी। तो हम कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 and 27 इज 216 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 27 इज 3। राइट जी। देखो अब आप करो 24 मल्टीप्लाइड बाई 27 कितना आएगा? कितना? 24 मल्टीप्लाइड बाई 27 648। तो 648 अब करो LCM एंड GCF ऑफ 24 27 मल्टीप्लाई, यानी 216 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 648। ग्रेट। सो एक आपको रिजल्ट मिल गया कि अगर आप दो नंबर्स को लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, वो बराबर होता है उन नंबर्स का GCF मल्टीप्लाई उन दो नंबर्स का LCM। जी। अगर आपको इन चार चीजों में से तीन चीजें पता चल गई तो आप चौथी चीज निकाल सकते हो। यानी अगर आपको पता चल गया कि देयर इज अ नंबर 2 and 7 एंड इट्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 14, What is GCF? जी तो आप सीधे निकाल सकते हो उसको। राइट तो ये हो गए मल्टीपल्स, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब इसके बाद आ गया प्राइम फैक्टर्स। आपको आपने कभी किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? जी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, जैसे 18। जी तो 18 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे? इसको सिंपली
पहले लोवेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो गया 18, फिर 2 से करेंगे कोशिश, 2 से अगर नहीं हुआ तो 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गए हमें प्राइम नंबर्स 2, 3, 3, तो 18 हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ 2 times 3 times 3, तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ऐसे ही 24 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, so 24 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज 2 times 2 times 2 times 3, तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये भी आ सकता है नाम प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 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 एंड दैट दैट दैट, तो हमें आसानी हो जाएगी कि हाँ भाई हमें पता है व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। जी ऑलराइट, सो लेट अस डू वन और टू क्वेश्चंस हियर एंड द अदर्स विल बी होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, each of the following is the factor of 120 except except 7, correct? Question number 5 bolo, what is the lowest number that is a multiple of 10, 12 and 15? Lowest number that is a multiple of 10 or 30. हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 10, 12, 15 को एक ही लाइन में लिखेंगे, फिर सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 into 5 or 2 into 6 or 15, तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही फिर 5 into 1, 6, तो ऐसे ही रहेगा, 5 into 3, तो हम देख सकते हैं 2 into 5 into 6 into 3 को हम कर सकते हैं 3 से, 3 times 2 is 3 times 1, तो अब हमें मिल गए सिंपलेस्ट नंबर्स 2, 5, 3, 1, 2, 1, सो 2 into 5 into 3 into 1 into 2 into 1 कितना हुआ, 2, 5 are 10, 10, 3 are 30, 32 are 60 है, नॉट 30। अब देखो क्यों, 10 का तो है 30, 12 का तो 30 नहीं है ना, 12 के टेबल में 30 नहीं आता। हाँ, है ना, इसीलिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन नंबर्स को लिखेंगे लाइन में, जैसे 6 है, 8 है और 12 है, और हमें ढूंढना है लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, 8, 12, तो हम उनको लाइन में लिखेंगे, फिर हम सिंपली उनको डिवाइड करते जाएंगे, 6, 8, 12 में से अगर 2 भी डिवाइड हो जाएंगे तो काफी है, बाकी 2 times 3 is 6, 2 times 4 is 8, 2 times 6 is 12, ऐसे ही फिर 3 और 6 डिवाइड होगा 3 से, 3 times 1 is 3, 4, तो ऐसे ही 3 times 2 is 6, और फिर उसके बाद 4 और 2 डिवाइड होगा 2 से, 2, 1, 2 2 times 2 is 4, 2 times 1 is 2, तो बन जाएगा 2 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1, 2 into 3 हो गया 6, 6 into 2 हो गया 12, 12 into 2 हो गया 24, तो इन तीनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 24। जी, got it? समझ आया ये वाला क्वेश्चन? जी, बाकी होमवर्क दे रहा हूं मैं मैथ वोकैब में, तो अप टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 हियर, ये भी होमवर्क है, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, सो शुड वी स्टॉप हियर और वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हम करेंगे यही वाला, लास्ट वाला ही करेंगे फिर, बताओ। If A, B and C are different prime numbers, how many factors does AB square C have? A, B square C.
वाह बड़ा अजीब क्वेश्चन है ना, तो कैसे जानना है? इसको हम प्लग इन करेंगे फिर प्राइम नंबर्स को, डिफरेंट प्राइम नंबर्स ए बी और सी। ए लिखेंगे हम टू, मतलब एनी प्राइम नंबर, एनी थ्री प्राइम नंबर्स डिफरेंट, मगर तो ऑब्वियसली हम अलग अलग बार प्लग इन करने हैं। हम लेंगे तीन प्राइम नंबर्स, एनी डिफरेंट थ्री प्राइम नंबर्स, ठीक है। ए लेंगे कोई भी प्राइम नंबर, बी लेंगे कोई भी दूसरा प्राइम नंबर, सी लेंगे कोई भी तीसरा प्राइम नंबर, फिर देखेंगे ए बी स्क्वायर सी किसके किसके बराबर हो, उसके क्या फैक्टर्स है। और जब भी आप तीन प्राइम नंबर्स को लोगे उनकी यही हालत होगी, उनका आंसर सेम रहेगा। ये है इस क्वेश्चन की खूबसूरती। इसीलिए सिंपलेस्ट हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल नंबर्स लेने की। तो हमारा सिंपलेस्ट प्राइम नंबर है टू, फिर क्या है? टू थ्री फिर फाइव। तो अब इसमें प्लग इन करेंगे, टू टाइम्स थ्री स्क्वायर टाइम्स फाइव कितना आएगा? नाइन्टी। अब देखना है हाउ मेनी फैक्टर्स डज 90 हैव, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 के फैक्टर्स को देखेंगे, टू है थ्री है, टू इंटू 45 हो गया 90, फिर उसके बाद थ्री से होगा डिवाइड, थ्री इंटू 15 हो गया 45, फिर थ्री से थ्री इंटू 5 हो गया 15, फिर बस और फाइव से है, फाइव तो है ही, फाइव इंटू वन हो गया फाइव, तो हम 90 लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू वन, वन भी तो है एक प्राइम एक फैक्टर जी। तो कितने प्राइम कितने फैक्टर्स है 90 में? पांच। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके सो विल स्टॉप हियर and we will continue from skill 10, but try to do but if you're not having time, no problem, just read what we have done till now, skill number 9 tak thoda sa revise kar lena, aur agar possible ho, agar time mila, exam ko effect nahi hona chahiye, to us hisab se dekh lena ki kitni homework aap kar sakte ho from skill 1. Okay वो सारे इसी पर हैं, इसी व्हाइट बोर्ड में, ये तो यू कैन चेक दैट जी। एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? नो। ओके देन वी विल स्टॉप हियर। ओके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।